आज 9 जनवरी है और आज ही के दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। साल 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई और हर दो साल पर इसे मनाया जाता है। इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है। इंदौर एक ऐसा शहर है जिसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल है। कल इंदौर में इस खास मौके पर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर गुवाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज स्मार्ट डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर पहली बार एक डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। G20 की भारत की वर्तमान अध्यक्षता के मद्देनजर एक विशेष टाउन हॉल भी आयोजित किया जाएगा। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगे।